क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एन एफ टीज आर अनरेग्युलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की देर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉज फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन वेलकम टू द क्रिप्टो क्लास ऑफ ट्वेंटी क्योंकि ये क्लास क्रिप्टो के दुनिया के काफी रास् खोलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब सबने अभी तक पढ़ा होगा ए फोर एपल बी फॉर बॉल एंड सो ऑन लेकिन आज हम इस क्रिप्टो क्लास में आपको नई एबीसी सिखाएंगे ताकि आपकी पुरानी एबीसी की मेमोरी चेंज हो जाए और नई क्रिप्टो की मेमोरी आ जाए हेलो हाय नमस्ते दिस इज रिया योर होस्ट इन दोस्ट फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो अगर आपको समझना है हाउ क्रिप्टो वर्क या फिर ये जानना है एन एफ और मेरा है क्या तो मैं हूं ना लेट्स गेट स्टार्टेड विथ डेज विथ क्रिप्टो एबीसी जॉब

सी से आता है सीबीडीसी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री अभी लेटली इंडियन पार्लियामेंट्री बजट सेशन में भी इसकी बात हुई थी दैट आरबीआई इज कम अप विद सीबीडीसी डी फॉर डैप्स डैप्स का मतलब है एप्स ये वो एप्स होते हैं जो सिंगल कंपनी या अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करते और ये प्योर टू प्योर नेटवर्क्स लाइक ब्लॉकचेन पे चलते हैं ई स्टैंड्स फॉर स्टैंडी 721 आपने एन के बारे में तो जरूर सुना होगा सुनाफटीज आर टोकन लाइक एनी अदर क्रिप्टो एसेट्स लेकिन ये नॉन फंडल होता है विच ग्रांड ओनरशिप जो एन एफ टी इम नेटवर्क पेमेंट होती है वो ईआरसी वन टोकन स्टैंडर्ड फॉलो करती है और ये टोकन स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है हाउ यू कैन क्रिएट एन एफ टीज ऑन दॉ एफ स्टैंड शॉर्ट फॉर प्योर अनसर्टेटी एंड डाउट जब भी मार्केट नेगेटिव न्यूज और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके इन्वेस्टर्स को डराता है उसको फड कहते हैं

I stands stands for for ICO. कोई कोई ICO ICO Did you know Ethereum ICO 2014 J stands for Jomo, the joy of missing out. कभी कभी जिंदगी में रुक कर मोमेंट को इंजॉय भी कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ रशिंग टू वर्क तो इस कभी कभी क्रिप्टो से ध्यान हटाने को और चिल करने को JOMO कहते हैं

एन स्टैंड फॉर नो कॉइनर आपके सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड तो होगा ही जो आपको बोलता होगा कि क्रिप्टो एक स्कैम है भाई ऐसे इंसान को नो no कॉइनर कहते हैं नो कॉइनर वो इंसान होता है जो क्रिप्टो एसेट्स में बिलीव नहीं करता और मानता है कि आगे जाकर फेल ही होंगे फॉर ओपन सी ओपन सी एक मार्केट है जहां से आप एन खरीद सकते हैं बेच सकते हैं एंड इवन क्रिएट भी कर सकते हैं P stands for play to earn. अगर आप लोगों को ये लगता है कि गेम्स खेल के पैसे नहीं कमा सकते तो शायद तुम गलत हो अब आप गेम्स खेल कर क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्यू आर कोड प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ट्रांजेक्शन कर पाएजी नो मो है जब किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है तब उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ही गॉट रेक्ट फॉर लेयर सोलूशन इनको हम लेल्यूशन भी कहते हैं तो वो सोल्यूशन जो ब्लॉक चेन के ऊपर बनाए जाते हैं लेयर ये सोल्यूशन जनरली ब्लॉक चेन की एफिशंसी और उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग नेटवर्क जो बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर बनाया गया है

तो वो देखा जाएगा बाई नोइंग लास्ट एसेट्स खरीदे या बेचे गए थे w is for whale. Crypto की दुनिया में whale का मतलब होता है उन से जिनके पास बहुत ही ज़्यादा होती हैं. इतनी ज्यादा कि वो अपने एक्शन से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज एक्स अब छोड़ो यार एक्स की क्या ही बातें करें ओके लेट्स गिव टू यू एज अ चैलेंज आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि से कौन से कौन से टर्म्स हैं

लेकिन इससे किसी थर्ड पार्टी को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में एक्सपोज हो जाती है जैसे डेट ऑफ बर्थ एड्रेस एक्सेट्रा अगर आपको आई भी ना दिखानी पड़े और थर्ड पार्टी वेरीफाई भी कर ले आपको तो इसी को जीरो नॉलेज प्रूफ कहते हैं एंड एंड ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड में में यूज होता है टू टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ यूजर अलाउ देम डू ट्रांजैक्शंस अगर आपको डिटेल जानना है जीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लास से बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाई है जैसे हमने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च की है ये वीडियो बनाने में वैसे ही आप भी अपनी रिसर्च करें और तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें और भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आप इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन पाए स्टे कनेक्टेड विद विदास सोशल मीडिया हैंडल्स एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.